हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई आप सभी अच्छे होंगे और आपके प्यारे एकदम परफेक्ट तरीके चल रहे हो गाइस। तो गाइस देखो, लास्ट मिनट टिप्स मैं आपको देने आया हूँ। 2023 का ये आपका एसबीआई पीओ का एग्जाम है, तो इसमें आप कैसे, आपको मैं पूरा सीक्वेंस बताऊंगा कि कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि तो आपको पता है, आपने आरआरबी पीओ में गलती की, आपने आरआरबी क्लर्क में की, आपने आईबीपीएस पीओ में करी और आपने आईबीपीएस क्लर्क में। सारी गलतियां करने के बाद अब आपके पास लास्ट जो होप है वो आपकी एसबीआई पीओ से गाइस। क्योंकि कल आपका एग्जाम होने वाला है, तो मैं आपको डिस्कशन करूंगा कि कैसे आपको क्या करना है, मैक्सिमम स्कोर करना है गाइस। क्योंकि आपको पता है, जो लास्ट ईयर आपकी जो कट ऑफ थी, क्या थी लास्ट ईयर वो आपकी थी, अगर मैं 2022 की बात करूं, ये जनरल कैटेगरी के, ठीक है गाइस, और आपकी 2021 की मैं बात करूं और 2020 की अगर मैं बात करूं, तो देखो, तो जो 2020 में थी आपकी कट ऑफ 58.53, उसके बाद ये 63 गई, 2022 में फिर आपकी 59.50 गई। ये क्यों गई? क्योंकि जो आपका दो लास्ट ईयर जो पेपर आया था वो मॉडरेट टू हाई लेवल था, ठीक है, उसके बाद ये आपका इजी टू मॉडरेट था, ठीक है, और ये वापस आपका मॉडरेट टू हाई लेवल था आपका गाइस। क्योंकि आपको पता है इसमें क्या होता है, जैसे लास्ट ईयर फर्स्ट डे अटेम्प्ट क्या थे, 70+ हो गए, बट जैसे जैसे बढ़ते गए आपके अटेम्प्ट क्या हो गए, कम हो गए गाइस। क्योंकि आपको पता है इसमें सेक्शनल कट ऑफ है नहीं, तो बच्चे क्या करते हैं, दिमाग क्या लगाते हैं कि इसमें अटेम्प्ट ज्यादा करने की कोशिश करते हैं और वो वहीं फंस जाते हैं क्योंकि एक्यूरेसी खराब हो जाती है गाइस। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, देखो क्या आपका बाद में बताएंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना, एक तो वीक सेक्शन आपका कौन सा वीक सेक्शन है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वीडियो पूरा देखने का। और दूसरी चीज आती है आपकी एक्यूरेसी। देखो, आपकी इसके अंदर सेक्शनल कट ऑफ है नहीं, नो सेक्शनल कट ऑफ, तो आपको क्या करना है, जैसे मेरा सब्जेक्ट वीक कौन सा, इंग्लिश है, तो मेरा एग्जाम 4 तारीख को है, और मैं क्या करूंगा इसके जो अंदर क्या करूंगा अटेम्प्ट, इसमें मैं कोशिश करूंगा 15 से लेकर 20 अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है, इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा। इसको भी मैं क्या करूंगा, एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करूंगा। और ये मेरे जैसे रीजनिंग और क्वांट है, रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो रीजनिंग में मैं क्या करूंगा 25 से लेके 30 तक, या मैं कहूँ 25 से लेके 28 तक अटेम्प्ट करूंगा। इसमें मैं क्या करूंगा, क्योंकि आपको पता है क्वांट का लेवल जिस हिसाब से इस बार आया है, चाहे आरआरबी पीओ ले लो, चाहे आपका आईबीपीएस पीओ ले लो, अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी 25 भी बहुत ही अच्छे अटेम्प्ट होंगे गाइस। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वांट की, तो क्वांट का आपका क्या आएगा, ये कैलकुलेटिव पेपर आपका आने वाला है गाइस। मैं पहले आपको बता दूं, क्योंकि ये ट्रेंड है, 2000 वैकेंसी है आपके पास, क्योंकि आपको पता है एसबीआई कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर करता हर बार की तरह, इस बार भी हम मान के चलता हूँ होगा, और यही दिमाग में चल के लेके जाना है आपको। कुछ भी हो जाए मैं अपनी एक्यूरेसी खराब नहीं करूंगा गाइस। अब अगर मैं इसमें अटेम्प्ट की मैं बात करूं, तो इसमें अटेम्प्ट क्या करना है आपको, 17, 18, 19। ये अटेम्प्ट क्यों है, ये अटेम्प्ट इतने इसलिए बता रहा हूं, ये आपको अगर अटेम्प्ट भी करने हैं ना आपको, तो विद 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने, चाहे कुछ भी हो जाए आपको एक्यूरेसी खराब नहीं करनी। देखो, मैं मोटा मोटा अगर मैं बात करूं, अगर आपके इसमें 25 से अगर आप अटेम्प्ट करते हो, 25+ मैं वालों 25 करे आपने, क्वांट में आपने क्या करे, चलो इसमें एक एवरेज मान के चलूं, चलिए आपने इसमें अटेम्प्ट कर लिए आपके कितने, इसमें आपने अटेम्प्ट कर लिए 19, कितने हो गए आपके 44 हो गए। अब बच्चा क्या करेगा, इसमें यहां पे गलती करता हो, आपको क्या करना है, इसमें अगर आपके अटेम्प्ट 15 भी होते हैं ना विद 100% एक्यूरेसी, ठीक है, तो आप कहां पे पहुंच गए, 59 पे पहुंच गए। और आपको पता है अगर मैं सेफ अटेम्प्ट की बात करूं, इसकी सेफ अटेम्प्ट की, देखो सेफ अटेम्प्ट तो कुछ नहीं होता, वो लेवल अगर आपका आएगा उस पर डिपेंड करता है, बट फिर भी अगर मैं सेफ अटेम्प्ट्स की बात करूं, तो 60 से लेकर 65 के बीच में ये गुड अटेम्प्ट्स माने जाते हैं गाइस। क्योंकि एसबीआई का लेवल तगड़ा लेवल आता है, क्योंकि आपको पता है इसमें 5 पजल तो आपको देखने को मिलेगी, और 2 पजल जो ऐसी आएगी जो बिल्कुल ट्रिकी लेवल की होगी, क्वांट है
जो आपको मैंने पहले ही बोल दिया, कैलकुलेटिव आने वाला है और साथ में लेंथ आपका आने वाला है। इसमें बच्चे क्या करेंगे, अटेम्प्ट ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, जैसा इस बार किया आईबीपीएस पीओ में, बच्चों के साथ क्या होगा, यही गड़बड़ होगी। कितनी कट ऑफ गई थी आपकी, 54 के आसपास की, यही मैंने आपको बताया था, 53 प्लस माइनस 2, यही मैंने कहा था ना। उसमें बच्चों ने क्या किया, इंग्लिश में ज्यादा स्कोर करने के चक्कर में अपनी एक्यूरेसी खराब कर ली और बच्चे 0.75 से 0.5 से 0.25 से सिलेक्शन से रुक गए। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। मैं कह रहा हूं अगर आपके अटेम्प्ट 58 भी हो रहे हैं ना विद 100% एक्यूरेसी, तो आपका प्री आराम से क्वालिफाई होगा। बस याद रखना एक्यूरेसी मत खराब करना, मैं पहले आपको बता दूं, बाकी जो एनालिसिस है वो हम कल करेंगे, ठीक है। अब एक बार मैं आपके साथ सीक्वेंस को शेयर कर देना, आपको ये नहीं देखना है कि जो सब्जेक्ट खुला पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर देना, नहीं, ये क्लर्क का पेपर नहीं है, ये आपका पीओ का पेपर है, इसमें आपको सावधानी बरतनी है, जितनी सावधानी बरतोगे उतना आपका फायदा है। देखो बात करो रीजनिंग, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, इनइक्वालिटी देखनी है, स्लॉग्स देखना है, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग देखनी है, उसके बाद अल्फान्यूमेरिक सीरीज देखनी है, ब्लड रिलेशन देखना है, डायरेक्शन डिस्टेंस। अगर आपको ये लगता है ये ट्रिकी आया, जैसे आईबीएस पीओ में आया था, तो आपको इसको स्किप करना है, पहले आप डायरेक्शन डिस्टेंस से स्टार्ट कर देना, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट करना, उसके बाद मिसलेनियस टॉपिक। मिसलेनियस कैसे, जैसे आपके पेयर बनाने होते हैं, मीनिंगफुल वाला आता है, तो इनको आप बाद में करना, कोशिश करना इनको स्किप कर देना, टाइम खराब कर देते गाइस। आपको पजल, पजल में भी आपको ऐसी पजल देखनी है जो ईजी हो, आपको डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना है ना। तो देखो डेज वाली आए तो स्टार्ट कर सकते हो, मंथ वाली आए आप उससे स्टार्ट कर सकते हो, फ्लैट वाली आए मत करना स्टार्टिंग में, ना आपको बॉक्स वाली करनी है स्टार्टिंग में, मत करना इनसे, पहले मैं आपको बता दूं। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट आए आप कर सकते हो, स्क्वायर बेस्ड आ सकती है कर सकते हो, रेक्टेंगुलर बेस्ड आए तो उससे भी कर सकते हो, बट फ्लैट और बॉक्स वाली से स्टार्ट मत करना, मैं पहले आपको बता दूं। ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से अगर आप जाते हो तो आराम से 25 प्लस स्कोर कर सकते हो रीजनिंग के अंदर, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वांट में, क्वांट में क्या करना है आपको, सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन में से आपको करना है, ठीक है। मिसिंग नंबर सीरीज आती है तो बढ़िया है, रॉन्ग नंबर सीरीज आती है सीधा स्किप कर देना, मत अटेम्प्ट करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसको करना आप, फिर डीआई आएगी, डीआई में भी आपको ऐसी डीआई देखनी है जो क्या हो इजी, देन आपको करना स्विच मॉडरेट लेवल की, अगर आती है तो ठीक है, क्योंकि आपको पता है आरबीपीएस पीओ में बच्चों ने क्या किया था, अर्थमेट्रिक को छोड़ के गए, वो बच्चे डीआई नहीं वहां पे सॉल्व कर पाए। जैसे मैंने क्या किया, डीआई को स्किप कर दिया था, 15 के 15 क्वेश्चन बाकी के मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे, इजी से मेरा सेक्शनल कट ऑफ भी निकल गया, ओवरऑल कट ऑफ भी निकल गया। उसके बाद हम बात करें अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में आपको पता है कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें मैंने आपको बताया कि आप 5 क्वेश्चन तो इजीली कर सकते हो, ठीक है, टारगेट क्या होना चाहिए 20, ठीक है, विद 100% एक्यूरेसी। पहले मैं आपको बता दूं पेपर कंफर्म है कैलकुलेटिव आएगा, क्योंकि गारंटी वो ट्रेंड कुछ ना कुछ तो चेंजेस करने की कोशिश करेगा गाइस, और ये हर बार चेंजेस करता है कुछ ना कुछ गाइस, ठीक है, ये आपका होना चाहिए सीक्वेंस। उसके बाद हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश में आपको सबसे पहले क्या करना है, वर्ड स्वैप करना है, पिलर्स और क्लोज टेस्ट आया तो वो करना है, एरर डिटेक्शन करना है, सेंटेंस का रीअरेंजमेंट करना है वो आता है, पैराजम्बल आता है वो कर सकते हो, आरसी को हमेशा क्या करोगे आप लास्ट में अटेम्प्ट करते हो। अगर आपकी इंग्लिश बढ़िया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो सीक्वेंस है ये उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश में वीक है एक, और स्पेशली वो जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यही मेरा सीक्वेंस रहता है हर बार, और मैं कोशिश करता हूँ। जैसे आईबीपीएस पीओ के अंदर मेरा जो स्कोर कार्ड आया ना इंग्लिश का, उसमें मैंने 18 मार्क्स स्कोर किए गए, तो यही सीक्वेंस रहता है मेरा हर बार, मैं कोशिश करता हूँ। देखो इंग्लिश में प्रॉब्लम सबके साथ होती है, किसी की भी 100% एक्यूरेसी नहीं हो पाती, बट आप ये तो कोशिश करो कि 90 प्लस तो हो, कि इसमें एक या दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गलत हो ही जाते हैं, बट आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आप मैक्सिमम स्कोर करो, और जो वीक सब्जेक्ट है उसमें क्या करो आप ऐसा स्कोर करो जो डिसेंट स्कोर हो, ठीक है। तो ये सीक्वेंस रहने वाला है, और ये सीक्वेंस अगर आप फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली मैक्सिमम स्कोर करने वाला होगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कर देना, और जिन जिन बच्चों का कल एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक, और कुछ मत करना, आप रेस्ट करना, रिलैक्स करना, और सेंटर से कोशिश करना 15 से 20 मिनट पहले पहुंचाना गाइस, ठीक है। और एक बार मैं आपको बता दूं क्या क्या लेके जाना जो बिगिनर्स हैं। देखो इन बच्चों का पहली बार वो दे रहे एग्जाम, तो एक तो आपका एडमिट कार्ड, ठीक है,
उसके साथ आपको जो फोटो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम लगाई थी वो चिपकानी है, प्लस साथ में दो एडिशनल फोटो लेके जानी है, ठीक है, एडिशनल फोटो लेके जानी है आपको, ठीक है, ये एडिशनल फोटोज के लिए, ठीक है, एडमिट कार्ड, फोटो, प्लस तीसरा चीज आपको क्या करना है, एक आपकी आईडी कार्ड प्लस आईडी कार्ड की फोटोकॉपी, ये चीजें तो आपके पास होनी चाहिए। ये तीनों चीजें नहीं है तो आपको मैं पहले बता देता हूँ वो बाहर बिठा देंगे, वो कोई गारंटी नहीं है। मैंने देखा है IBPSPO में, देखा IBPS RRPO में देखा, बच्चे क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं और एग्जाम से वंचित रह जाते हैं। ये चीज आपको नहीं करनी है। और जिन जिन बच्चों का कल एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक, और बाकी जो क्या एग्जाम में आता है वो हम एनालिसिस करेंगे गाइस, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड खम्मागढ़।